बद्दी फैक्ट्री हादसे दे विच रेस्क्यू ऑपरेशन दा दूजा दिन चार जिंदगियां दी पाल जारी लापता लोकां दी गिनती होर वधण दी संभावना कल फैक्ट्री दे विचों कढ़ियां सन चार लाशां फैक्ट्री हादसे दे विच हुण तक पंज मजदूरां दी मौत प्लांट मैनेजर नूं कीता गया गिरफ्तार फैक्ट्री मालक दी गिरफ्तारी दी कोशिशां जारी पंजाब दे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने अपने अहुदे तों दित्ता अस्तीफा निजी कारणां दा दित्ता हवाला परसों ही गृह मंत्री अमित शाह दे नाल होई सी मुलाकात केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची ईडी पांच समन देने के दे बावजूद केजरीवाल के पेश होने पर जताई की शिकायत ईडी की शिकायत से 7 फरवरी को कोर्ट करेगी सुनवाई पठानकोट के मुख्यमंत्री मान ने एनआरआईज की मीटिंग पंजाब के निवेश से बिजनेस करने का दिता सदा क्या हूं नहीं आएगी कोई मुश्किल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया दावा क्या पठानकोट को बनावेंगे वड्डा गोवा पठानकोट तो न्यू चंडीगढ़ तक के एरिया करेंगे डिवेलप पठानकोट के रणजीत सागर डैम के नेड़े मिनी गोवा के नाम के विकसित हुए टूरिस्ट प्लेस से मंत्री कटारूचक परमशंकर जिंपा ने हॉट एयर बैलून राइड का माणिया आनंद यूएसए के सैन फ्रांसिस्को समागम के दौरान खालिस्तानी समर्थकों दी दो तेरह पीढ़ियां एक दूजे के नाल चमके गई कुटमार लंगर वाले बर्तना के नाल एक दूजे से हमला खन्ना पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के तीन मैंबरों को किया काबू मुलजमान तो बरामद हुए 14 नाजायज पिस्टल पंजाब हरियाणा हिमाचल च करते सप्लाई लुधियाना के पुलिस चौंकी तो महज 400 मीटर की दूरी से लुट तेजतर हथियार की नोक से दिल्ली की बॉय तो पैसों के भरया बैग खोया सीसीटीवी कैद तस्वीर श्री मुक्तसर साहब के गोन्याणा रोड से चली गोली खाली प्लांट के खड़ी गड्डी खड़ी करने रोकण से होया विवाद नौजवानों ने घर से चलाए इट्टा पत्थर मूसेवाला कतलकांड के मुलजमान पनाह देने वाले काबू एजीटी अपने मनदीप जतेंद्र किया गिरफ्तार दोवें लॉरेंस से गोल्डी ब्राड के गैंग संबंधित दसे जा रहे गंभीर मजीठा के पिंड सियालका के तलाब के डुबन के 12 साल के बच्चे की मौत छप्पड़ चो मिली तैरती हुई लाश तुरंत फिरन च समर्थ ने बच्चे के माता पिता पानीपत के समालखा के नहर की खुदाई दौरान मिट्टी के दबे दो मजदूर दोहां की मौत पीड़ित परिवारों ने ठेकेदार से लगाए लापरवाही के इल्जाम गुरदासपुर के पिंड शकरी के मामूली दो बाइक सवार ने मामूली विवाद के चलते घर च वड़ के बजुर्ग की लत से मारी गोली जख्मी बजुर्ग को हस्पताल कराया गया दाखिल पानीपत की हरिनगर कलोनी के तेजतर हथियार के एक शख्स का कतल शराब की पार्टी के दोस्तों के नाल होया सी विवाद परिवार ने रंजिश तहत वारदात को अंजाम देने के लिए इल्जाम मोगा पुलिस ने छोटा हाथी चो बरामद किए दो क्विंटल डोडे 20 किलो दियां 10 बोरियां च पिया सी नशा पुलिस ने ड्राइवर नूं कीता गिरफ्तार तरन तारण के बठिंडा नैशनल हाईवे से बटाला के व्यापारी के नाल लुट गन पॉइंट से लुटी नकदी सोने की अंगूठी और गड्डी जलालाबाद के राह को लेकर बस ड्राइवर और बाइक चालकों के विवाद ड्राइवर की कुटमार करने के लगे इल्जाम पुलिस ने शांत कराया मामला जलंधर में महिला ने अपने ही पति से सस से लाए कुटमार के इल्जाम पुलिस ने दी शिकायत महिला का इल्जाम बेटी के जन्म तो बाद सहुरा परिवार करता सी कुटमार लुधियाना के चार तो पांच अणपछाते हमलावर ने एक शख्स से किया हमला सुंदर नगर इलाके पैंदे जैन मंदिर को लेकर चल रहा विवाद होशियारपुर के चब्बेवाल चंडीगढ़ नैशनल हाईवे पर हुई लुट पेट्रोल पंप के तीन नौजवानों ने की लुट कार के 3000 तो वध का डीजल पवा के मौके पर हुए फरार पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच की शुरू लुधियाना तीन अणपछाते एक्टिवा सवार हमलावर ने बेसबॉल के इट्टा के कार से किया हमला जख्मी कार चालक गड्डी के निकल के भजन कामयाब बरनाला पुलिस ने कार लुटन वाले दो मुलजमान किया काबू लिफ्ट लैके मोड़ मंडी के ठेकेदार बनाया से निशाना हमला करके खो लै गए सन कार सोनीपत की गोहाना पुलिस ने तीन मुलजमान को किया गिरफ्तार बीते दिन एक दुकान से की ताबड़ तोड़ फायरिंग एक नाबालिग मुलजम पहला ही आ चुका है कानून के शिकंजे अमृतसर के बैरीगेटिव इलाके में चोरों ने चोरी की घटना दिता अंजाम थाने तो महज कुछ दूरी से एक्टिवा की गई चोरी यमुनानगर पुलिस ने मोबाइल स्नैचर को किया काबू लिफ्ट देने के बहाने लोगों को मोबाइल खो के हुंदा सी फरार पुलिस ने कहा जल्द गैंग के दूजे मैंबरों को करांगे काबू फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के एक कार से डिग्या बिजली का खंभा नुकसानी गई कार बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर आके हटाया खंभा खन्ना के चलते ट्रक में लगी भयानक अग लोहे दियां पत्तियां दे नाल भरिया हुआ सी ट्रक ड्राइवर ने छाल मार के बचाई जान सोहना के पिंड लोहटकी दे विच तेज रफ्तार ब्रिजा गड्डी जावजी खंभे च लगी भयानक अग कार चालक की झुलसन के नाल मौत कैथल ट्रक ने दो गड्डियां मारी टक्कर ढलान ते ट्रक दियां ब्रेकां फेल होने के नाल वापरिया हादसा दोहां गड्डियां का होया नुकसान राजपुरा च ट्रक के पिछे टकराया दूजा ट्रक चालक के वलों अचानक ब्रेक मारन कारण वापरिया हादसा नुकसान की भरपाई के लिए चालक ने लगाई सरकार तो बहार अंबाला के शकी हालातों के सेवा मुक्त सब इंस्पैक्टर होया लापता 3 जनवरी तो लापता ने 74 साल के हरीश चंद्र पत्नी ने महेश नगर थाने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट नशे के खिलाफ अंबाला पुलिस एक्शन जारी नाजायज तौर पर चलाए जा रहे नशा छुड़ाओ केंद्र संचालक गिरफ्तार शिकायत मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई
कैनेडा दे विच कबड्डी खेडणगे पंजाबी नौजवान की मौत। कपूरथला के पिंड संघोवाल च कीता गया अंतिम संस्कार। परिवार का रो रो के बुरा हाल। हिसार की सब्जी मंडी दे विच किसानां दी महा रैली दे विच पहुंचे जगजीत सिंह डरलेवाल। कहा 13 फरवरी नूं पूरे देश के किसानों का दिल्ली दे विच होएगा अंदोलन। लुधियाना के जगराओं के 3 दिन पशु मेले की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री पुरशोत्तम रूपाला ने किया उद्घाटन। मेले के लगाए गए 350 के करीब स्टॉल। गुरदासपुर के ईवीएम मशीनों के खिलाफ जुटियां वख-वख जथेबंदियां। मशीनों बंद कराने की जा रही है मांग। लोगों के साथ लिए एक नंबर भी किया जा रहा है। फिलौर के एक निजी स्कूल नेड़े पिंडां दे नौजवानां अते पंजाब पुलिस के जवानों के विचाले हुए वॉलीबॉल मुकाबले। पिंड विरकां की टीम ने दर्ज की जीत। अमृतसर के प्रिंसीपल ने पंजाब का नाम किया रोशन। सूबे भर तो प्रिंसीपल डॉक्टर पलविंदर पाल सिंह मिलिया शिक्षा पदम सम्मान। इंदौर स्थित सेग यूनिवर्सिटी में होया सम्मान समारोह। सुल्तानपुर लोधी के रेलवे अंडरपाथ लोगों के लिए बनया। परेशानी का सबब मीह के दौरान अंडरपाथ के बने रास्ते खड़ जाता है पानी। लोगों को करना पैंदा दिक्कतों का सामना। उत्तर भारत मुड़ बदलिया मौसम। चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में सवेर तो पै रहा है रुक रुक के मीह। अगले 2 दिन भी मौसम खराब की संभावना। हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी का दौर लगातार जारी। बर्फ की चिट्टी चादर के ढके पहाड़। हैवी स्नोफॉल के कारण कई थावां ते रस्ते हुए बंद। हिमाचल के लाहौल मनाया गया गोची त्यौहार। भारी बर्फबारी दौरान गोची त्यौहार का जश्न बच्चे के जन्म की खुशी च मनाया जाता है यह त्यौहार। राजौरी के पीर पंजाल इलाके भारी बर्फबारी। दरख्त और घर दियां छत्तां बर्फ के ढकियां। स्नोफॉल के कारण तापमान जारी है भारी गिरावट।